इस तरह के कुरकुरे क्रैकर्स बनाने के लिए आपको ना ही किसी भी चीज़ को पीसने की ज़रूरत है, ना ही भिगोने की ज़रूरत है और ना ही आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बिल्कुल आसान तरीके से एकदम ही 10 मिनट में बनने वाले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटी कुरकुरी सी रेसिपी आज हम बनाकर तैयार करने वाले हैं और देखकर तो आप हैरान रह जाएंगे कि आप इतनी आसानी से बेहद ही स्वादिष्ट रेसिपी बनाकर तैयार कर लेंगे और चाय के साथ तो ये बड़े मज़ेदार लगते हैं खाने में, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और एक बार इसको बनाकर रख लें तो महीने भर तक ये चल जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाएं। मैं सविता शेखावत, मेरे चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम इसको बनाने वाली वो खास सामग्री देख लेते हैं। तो ये हमने 200 ग्राम पास्ता लिया है फ्रेंड्स। अगर आप रेडीमेड पास्ते से बनाते हैं ना तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो जाते हैं। तो अब हमें इस पास्ता को बॉईल करना है। तो यहाँ पे हमने गैस के ऊपर 3 गिलास पानी भरकर एक पतीले के अंदर गर्म होने के लिए रख दिया था ताकि ये जल्दी से गर्म हो जाए। जब इसके अंदर अच्छा सा बॉईल आ जाएगा ना तब हम इसके अंदर पास्ता डालेंगे। तो ये आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर बॉईल आ गया है। अब जो हमने पास्ता लिया था वो इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे ये बात आप ध्यान रखिए कि ठंडे पानी में पास्ता बिल्कुल भी ना डालें। अब इसमें हम थोड़ा सा यहाँ पे डाल देंगे रिफाइंड ऑयल 2 छोटे चम्मच के बराबर और साथ में हम इसमें 1 छोटा चम्मच नमक भी इसी टाइम ऐड कर देंगे ताकि ये हल्के से नमकीन भी हो जाएं। वैसे ये फीके फीके होते हैं इसलिए इसका हम नमकीन तैयार कर रहे हैं ना, इसलिए इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे तो इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे हमने नमक भी ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिला देंगे और मिलाने के बाद में इसको हम लगभग 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। बीच बीच में 1-2 बार इसको चलाते रहेंगे क्योंकि ये तले में बैठ जाते हैं, इसलिए आप इसको डालने के बाद 1-2 बार चला दें और पकने दें। 4 मिनट तक पकाने के बाद में अब इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करने के लिए एक पास्ता इस तरह से चम्मच से उठाकर और उसको इस तरह चाकू से कट करके देखेंगे। यहाँ पे ये हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बिल्कुल आसानी से कट होना चाहिए और मैस भी नहीं होना चाहिए, इसी तरह का पका हुआ हमारा पास्ता होना चाहिए। अब इसको हम पानी में नहीं छोड़ेंगे, इसको जल्दी से एक छलनी में निकाल लेते हैं ताकि ये और ज़्यादा ना पक सके। छलनी में निकालने के बाद में इसको हम इस तरह से एक बर्तन पे रखेंगे ताकि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा और ये हल्के से ठंडे भी हो जाएंगे। अब इसको हमें थोड़ा सा चम्मच से चलाते रहना है और आप चाहें तो इसे किसी चौड़े बर्तन में डाल लें ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, क्योंकि इसको हमें पूरी तरह से ठंडा करके लेना है। 3-4 मिनट तक ठंडा होने के बाद में अगली तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये 3 छोटे चम्मच कॉर्न स्टार्च लिया है और इसके साथ ही हमें इसके अंदर मैदा भी लगेगी। तो जितना हम कॉर्न स्टार्च लेंगे ना उतनी ही हम इसके अंदर मैदा लेंगे फ्रेंड्स, दोनों बराबर लेनी है। आप चाहें तो दोनों को मिक्स करके और थोड़ा थोड़ा करके भी इसके अंदर मिला सकते हो अगर एक बार में अंदाज़ा ना आए तो, और नहीं तो आप इस मात्रा में बनाएंगे तो ये एकदम ही परफेक्ट रहती है। अब इन दोनों को हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बाकी इसमें हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नमक भी हमने पहले ही ऐड कर लिया था। इनको अच्छे से मिलाने के बाद में इस तरह से सूखा सूखा कर लेना है इनको और इनके ऊपर इसकी कोटिंग भी अच्छे से हो जानी चाहिए। अगर आपको लगे ये गीला है तो थोड़ा सा इसके अंदर मैदा और कॉर्न स्टार्च मिलाकर आप और ऐड कर लें, लेकिन यहाँ पे ये एकदम ही परफेक्ट बने हैं। अब इनको फ्राई करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था, ये गर्म हो गया है। इसमें हमें अच्छे गर्म तेल की ज़रूरत होती है, तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद ही हम इसके अंदर इनको फ्राई करने के लिए डालेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, ये अच्छे से फ्राई हो रहा है और ऊपर उठकर आ गया है। तो बाकी की पास्ता भी हम इसके अंदर डाल लेते हैं। पास्ता डालने के बाद में इनको हमें जर की सहायता से लगातार चलाते रहना है, इनको जब तक फ्राई करना है जब तक कि इसके अंदर आपको ढेर सारे जाग दिखाई दे रहे हैं ना ये एकदम कम हो जाए और पास्ता पे हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए और ये अच्छे से क्रिस्पी होकर तैयार हो जाए तभी तक हम इनको फ्राई करेंगे। लगभग 4 मिनट इनको फ्राई होते होते हो गए हैं और जाग भी यहाँ पे बिल्कुल कम हो गए हैं और इसमें आप कलर देख रहे होंगे ना, बिल्कुल प्यारा सा कलर आ गया है इनमें, हल्का सा गोल्डन कलर। तो इसी टाइम तक इनको हमें फ्राई करना है। अब इनको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम एक दूसरी जर ले लेते हैं बड़ी ताकि इनको आसानी से निकाल सकें। ऐसा करने से इनके अंदर जो है ज़्यादा तेल नहीं जाता है, वो वापस कढ़ाई में चला जाएगा और इसी तरीके से हमें जो पूरा पास्ता है ना वो फ्राई करके ले लेना है यहाँ पर।
पूरी तरह से ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ एक पास्ता उठाकर ये किस तरह के कुरकुरे बनकर तैयार हुए हैं। जब आप इनको इस तरीके से तोड़ेंगे तो ये एकदम ही क्रिस्पी वे में टूटेंगे और बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में। तो अब इसके अंदर हम थोड़े से मसाले मिक्स कर लेते हैं। तो इनको हम एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि मसाले जो हैं अच्छे से मिक्स कर सके, और इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हम एक बर्तन में सबसे पहले एक छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर लेंगे, एक छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम इसमें हम नमक लेंगे, एक छोटा चम्मच डालेंगे चाट मसाला, और कुरकुरे क्रैकर्स जो है थोड़े से खट्टे लगते हैं खाने में, तो यहाँ पे हम उसको खट्टापन देने के लिए बिल्कुल 1/8 चम्मच के बराबर इसके अंदर हम डालेंगे जो टार्टरिक एसिड आता है उसका पाउडर बना के। यहाँ पे बिल्कुल 2 पिंच माप के डाल लें या फिर 1/8 चम्मच भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। इसके बाद में अगर आपको ज़्यादा चटपटा चाहिए तो आप इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर ले, और नहीं चाहिए तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर लेती हूँ, इससे इसका स्वाद जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इन मसालों को अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद में इनको हमें कुरकुरे के अंदर ऐड करना है। मसाला इसके अंदर डाल लेते हैं, और मसाला डालने के बाद में इसको हमें एकदम अच्छे से इसके अंदर मिलाना है। आप चाहे तो चम्मच की सहायता से मिलाएं, या फिर आप इस बर्तन को उठाकर ऐसे उछालकर मिला सकते हो, तो इसके अंदर एकदम बढ़िया तरीके से मसाले मिक्स हो जाएंगे। और इस तरह से मसाला मिलाने के बाद में आप इसको किसी भी एयरटाइट जार में भरकर रख लें, तो आप महीने भर तक इंजॉय कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी और चटपटे लगते हैं खाने में। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। और रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।